Hi, this is Rituparna Sengupta and you're watching me on midday.com. Hello and welcome to midday.com. This is Shachi Chaturvedi and today in conversation with us we have Rituparna Sengupta. Hi Rituparna, how are you? I'm good and happy Puja to everyone. Happy Puja and happy Navratri. Happy Navratri, yes. So first of all, toh aap hume batao, Bengali mein Navratri kaise wish karte hain? बंगाली में बोलता है शुभो नवरात्रि. शुभो नवरात्रि. नवरात्रि तो शुभो नवरात्रि आपको. सो ऋतुपर्णा, सबसे पहले हमें बताइए आपकी बचपन की कोर मेमोरी क्या है. बहुत सारे. ओके. रात निकल जाएंगे. बहुत सारे मेमोरीज है बिकॉज पूजा इज ऑल अबाउट चाइल्डहुड. हमारी स्कूल बंद होते थे जस्ट पूजा छुट्टी के पहले और we used to have one exam before that. वो एग्ज़ाम हो जाने के बाद हम लोगों को लगता था ज़िंदगी पूरी फ्री है और उसके बाद कोई रूटीन नहीं है. पूजा का टाइम कोई रूटीन नहीं है. अब 4 days हम लोग फ्री फ्लोइंग है एकदम. मतलब ऐसे ही तो दुर्गा पूजा एक एक लोकेलिटी में हर घर से चंदा लेके होता था. सो इसीलिए हम वो घर पे खाना भी नहीं बनते थे. एकदम कम्युनिटी किचन होता था. एवरी डे भोग जो ऐसे होता है ना, दोपहर को खिचड़ी एंड ऑल दैट. तो वो मोहल्ले में सबके घर में कोई किचन नहीं, किचन का कोई ये नहीं था. हम लोग सब इकट्ठा होके वो मोहल्ले में खिचड़ी और भोग खाते थे. सो इट्स अ वेरी सी दुर्गा पूजा इज़ अ वेरी कम्युनिटी थिंग ना, वो कम्युनिटी एक्टिविटी. तो मुझे लगता था कि वो उसके बाद दोस्त लोगों के साथ घूमना, पैंडल हॉपिंग और एक एक पैंडल तो एक एक मतलब वंडर है. और हर गली गली में पूजा होता है हमारे यहाँ. मतलब अभी एक यहाँ हुआ तो 10 कदम चल के और एक पूजा. तो हम लोग सब घूमते थे और नया ड्रेसेस पहन के. ड्रेसेस का तो बहुत ही ये रहता था कि सुबह क्या पहनेंगे, शाम को क्या पहनेंगे, रात को क्या पहनेंगे. ये करते करते दिन निकल जाता. और सपोजिटली स्कूल के दोस्त थे, कोचिंग क्लासेस, उसके बाद डांस स्कूल, उसके बाद कजिन्स के साथ. तो एक एक टाइमिंग होता था. मतलब सुबह इन लोगों के साथ, दोपहर को इन लोगों के साथ, रात को उन लोगों के साथ. और लेकिन रेस्ट्रिक्शंस भी होते थे. डैडी का बहुत रेस्ट्रिक्शन रहता था, 10 बजे तक घर पहुंचना ही पड़ेगा. तो वो भी डैडी को भी थोड़ा मैनेज करते थे. दोस्त लोगों को बोलते कि इसको फ़ोन कर, बोला अभी थोड़ा सा देरी हो रही है, रास्ते में जैम है, ये है वो है करके. तो बहुत सारे मेमोरीज हैं. और दुर्गा पूजा इज़ लाइक अवर लाइफ लाइन, मतलब बंगालीज का. तो अभी मुझे लगता है कि सिर्फ बंगालीज का पूजा नहीं है, ये सबका हो गया और सब लोग आके इंजॉय करते हैं दुर्गा पूजा में. और बिकॉज सिर्फ तो बंगाली स्पीकिंग लोग नहीं हैं वेस्ट बंगाल में या कलकत्ता में या हर जगह में. अभी मुंबई में भी कितना सारा पूजा हो रहा है, बैंगलोर में हो रहा है, जहाँ पे भी बंगालीज है. लेकिन मुझे लगता है कि हर कोई इसके साथ रिलेट कर सकता है कि मदर गॉडेस का जो स्पिरिट है, जो पावर है, जो उनका मतलब एक जो पॉजिटिविटी है, वो सबके लिए है. अच्छा एक बात बताइए सच सच कि आपको कितनी बार लेट आने की वजह से डांट पड़ी है पंडाल हॉपिंग के टाइम. बहुत बार. बहुत बार एक्चुअली. डैडीज तो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होता है ना. और हमेशा देखते थे कि किन लोगों के साथ हम जा रहे हैं, किसके साथ आ रहे हैं. मतलब थोड़ा बहुत वो थोड़ा सा पाबंदी था तब. अभी थोड़ा सा फ्री हो गया. लेकिन हम जब we were just growing up, तब तो बहुत strict था सब लोग. अच्छा ऋतुपर्णा की नवरात्रि स्पेशल थाली में क्या क्या होता है? पूजा के टाइम तो कोई इतना रेस्ट्रिक्शंस हम नहीं करते हैं क्योंकि पूजो इज़ लाइक थोड़ा सब कुछ में थोड़ा सा ढीला देना पड़ता है क्योंकि उसमें कोई डाइट का कोई प्रोग्राम नहीं होता है. लेकिन फिर भी मुझे लगता है नवरात्रि के थाली में तो स्वीट्स तो होगा ही. और मैं ज़्यादा स्वीट नहीं खा सकती लेकिन फिर भी. और जो भी होगा खा लूँगी थोड़ा सा. ऐसा कुछ नहीं है. मतलब आई एम नॉट अ वेरी पिकी पर्सन. जो भी होगा हम थोड़ा सा खा ही लेंगे, ऐसा नहीं है. ओके. ऑन अ रादर सीरियस नोट, अभी कोलकाता में जो इंसिडेंट हुआ उसके बाद इस बार माहौल थोड़ा सा वीक है. व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट दैट?
I think we are going through a lot of turbulence now, and Kolkata is not really, you know, enjoying puja to that level. क्योंकि कोलकाता में जो हादसा हो गया वो सबके लिए हादसा है. एक जिन फैमिली में हुआ है उसके लिए नहीं, सबके लिए है. हम लोग जितना भी हम कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा बहुत अंदर वो हिचकिचा है हमारे अंदर कि उसकी उसके लिए विचार चाहिए. उसके लिए जो हुआ है, वी वॉन्ट जस्टिस फॉर दैट गर्ल. सिर्फ वो गर्ल नहीं, जो भी हो रहा है, जैसे ये सब इंसिडेंट बंद होना चाहिए. तो इसके लिए हम लोग सब लड़ रहे हैं, अंदर से लड़ रहे हैं, बाहर से लड़ रहे हैं, और डॉक्टर्स लोग तो लड़ ही रहे हैं. उनका अभी फास्टिंग भी चल रहा है, और बहुत बहुत कुछ, एक साइड उत्सव हो रहा है और एक साइड आंदोलन हो रहा है. तो थोड़ा बहुत अभी एक टर्बुलेंस है. मुझे लगता मैं माँ के पास, आई मीन माता के पास, गॉडेस के पास मैं यही चाहती हूँ कि ये सब ठीक कर दे वो, और सबका मांग पूरी कर दे. थैंक यू सो मच रितुपर्णा फॉर कनेक्टिंग विद अस. थैंक यू. सब्सक्राइब टू मिडडे इंडिया. गेट डायरेक्ट नोटिफिकेशंस ऑन ऑल आवर वीडियोस बाय क्लिकिंग ऑन द बेल आइकन.